मैं कहना चाहूँगी कि किसी की शक्ल से उसके बैंक बैलेंस, महंगी कार और ब्रांडेड क्लोथ से तो कोई भी प्यार कर सकता है। मेरा प्यार अलग था, बिना उसे देखे, बिना उसे जाने। कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में कि वो कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं जानती थी। बस बातें बहुत अच्छी बना लेता था, मेरे आंसू कैसे रोकने हैं मुझे पल भर में हंसा देता था। अलग प्यार था मेरा, अलग प्यार था मेरा, उसकी बातों पर ही दिल लुटा बैठी थी। अलग प्यार था मेरा, उसकी बातों पर ही दिल लुटा बैठी थी। वो जो मेरा था ही नहीं कभी, उसे खोने से घबराने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारी हंसी ठिठोली, लड़ना मनाना, और हाँ वो पलंग पर कबड्डी खेलना। अजीब है ना, वो अक्सर कहा करता था कि तुम बीवी हो मेरी, मेरा बिस्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं पूछती थी कि क्यों, क्या करना है, और वो कहता था कबड्डी खेलेंगे। इन्हीं सब नोक झोंक में कब 2 साल निकल गए पता भी न लगा। होश तो जब आया, जब एक शाम वो नहीं आया। कई घंटों तक इंतजार किया मैंने उसका, पर वो नहीं आया। बातों ही बातों में, उसकी तारीफों में, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि इंटरनेट वाला प्यार था मेरा। और फेसबुक नहीं, एक चैट रूम पर मिले थे हम, जहाँ ना तो कोई नाम होता है और ना ही कोई तस्वीर। उसका मोबाइल नंबर कई दफ़ा मांगा था मैंने, पर वो बड़ी आसानी से टाल दिया करता था। बोला था उसको कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि तुम्हें कहीं खो ना दूँ। और एक शाम, लेकिन शायद उसके लिए ये इंटरनेट वाली दुनिया उसकी असल दुनिया से काफ़ी अलग थी। दोनों को अलग ही रखना चाहता था वो। मैं भी समझ जाती थी, समझा लिया करती थी अपने दिल को। आखिर वो दावा जो कहता था कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, सही वक्त आने पर मुझे अपनी दुनिया में लेके जाएगा। एक शाम वो नहीं आया। मेरा नादान सा दिल आहें भर रहा था, बस उसे ही पुकार रहा था कि नील तुम बस आ जाओ। हाँ, उसका वो इंटरनेट वाला नाम था नील, असली नाम तो कभी बताया ही नहीं था उसने। और उसको पुकारते हुए कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। एक उम्मीद थी कि अब तो आ जाएगा वो, पर वो नहीं आया। कई महीने गुजर गए उसके इंतज़ार में, मगर वो एक शख्स जो प्यार करता था मुझसे, वो नहीं आया। अगर वो आ जाता तो शायद फिर उसे कभी वापस जाने भी न देती। टूट चुकी थी मैं अंदर से, अंदर तक प्यार था वो मेरा। उसके लिए शायद मैं सिर्फ इंटरनेट का एक हिस्सा थी, उसकी असली जिंदगी का हिस्सा ना भी थी, पर वो जिंदगी था मेरी। 1.5 साल गुजर चुका अब, कोई खबर नहीं है कि वो क्यों चला गया, वो क्यों नहीं आया। मुझे जिसे वो प्यार करता था, उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर कहाँ चला गया। ढूंढती भी तो किस तरह ढूंढती उसको, इस आधार कार्ड वाले जमाने में मेरा प्यार बेनाम था। एक सफ़ेद झूठ था वो, जिसे अपने सपनों के रंगों से रंगीन करने की कोशिश कर रही थी मैं, और वो बदले में मुझे बेरंग करके चला गया।